गाइस वेलकम टू संदीप माजी आर्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। सो गाइस मैं इस वीडियो को लेकर एक ही बात कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखो, आपको वाटर कलर का जो बेसिकली इम्प्रूवमेंट होता है वो मैं समझाऊंगा और मैं 100% कोशिश करूंगा कि इस वाटर कलर को ट्यूटोरियल करने के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि ये वर्सेस फर्सेस कुछ भी नहीं, इट इज जस्ट फॉर फन, इट इज जस्ट फॉर अ कंटेंट। ऐसा कंटेंट बहुत आते हैं तो मैंने सोचा कि उसका 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, सो इसीलिए मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 50K सब्सक्राइबर्स। एंड फर्स्ट टोन में आप सभी को जो करना है, एट फर्स्ट ही पूरे पेज को भिगा देना है वाटर से, एंड उसके बाद आपको कलर करना है। एट फर्स्ट हम बैकग्राउंड को कलर करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कुछ लाइट शेडिंग का जगह छोड़ के ये कलर कर रहा हूँ, सो ऐसा ही आपको करना है। एक बार मैंने बोलना तो भूल ही गया कि अगर आप चाहते हैं कि गिव अवे का विनर होना तो जल्दी से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गिव अवे का लिंक को क्लिक कीजिए एंड उस वीडियो को देखिए और विनर हो जाइए। और मैं इस ड्राइंग में जो कर रहा हूँ स्टूडेंट वाटर कलर एंड आर्टिस्ट वाटर कलर को मिक्स करके कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि कुछ जगह मैं डीप शेडिंग कर रहा हूँ, कुछ जगह मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लाइट की ज़रूरत है ड्राइंग में, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ जगह छोड़ के मैं कलर कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लास का जो हाईलाइट करना पड़ता है वो ऐसे ही करना पड़ता है हम सभी को, और ऐसे ही आप सभी करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो कुछ जगह छोड़ के जो लाइन शेडिंग दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको रोज़ में मेनली रोज़ का फ्लावर हो तो ऐसे ही आपको लाइन छोड़ के शेडिंग देना है, तभी बहुत अच्छा लगेगा।
Thank you.